आज की वीडियो में हम लोग ए और एन का यूज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप किसी वर्ड और सेंटेंस से पहले ए और एन का यूज करते हैं लेकिन बार बार आपका क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वर्ड गलत हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। मैं एक आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो के अंत में मैं एग्जांपल भी कुछ बनाने वाला हूँ, थोड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आपको जो स्कूल में बताया जाता है, किताबों में जो लिखे होते हैं, उससे बच्चों को समझ नहीं आता, मैं उसे थोड़ा हट के बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पूरा मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं पूरा विश्वास के साथ बताता हूँ कि आपको पूरा दिमाग में क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एन का यूज। एन का यूज कब होता है और कैसे होता है और कब यूज करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो तरीका क्या है। तो एन का यूज तभी करेंगे जब कोई शब्द जो है आ, ई, उ, ए, ओ से उच्चारण हो। अगर आ, ई, उ, ए, ओ से उच्चारण होने वाले उच्चारण होने वाले अर्थात बोले जाने वाले अर्थात यानी बोले जाने वाले बोले जाने वाले वर्ड जो इंग्लिश वर्ड होगा बोले जाने वाले जो इंग्लिश वर्ड होगा उससे पहले ही हम लोग क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। वर्ड से पहले हम लोग क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। अभी क्लियर हो जाएगा सारे डॉट। एन का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे यहाँ पे देखेंगे। यूज करेंगे एक बार और मैं पढ़ता हूँ, एन का यूज आ, ई, उ, ए, ओ, यही पांचों शब्द हैं जिससे उच्चारण होने वाले अर्थात बोले जाने वाले वर्ड से पहले एन का यूज करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड होते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण अलग अलग होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के देते हैं यूनिवर्सिटी, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी। लेकिन ऐसा ही वर्ड एक यू से भी स्टार्ट होता है बहुत सारे, अम्ब्रेला। अब इसमें देखिए दोनों यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। जिसको यू से पढ़ रहे यूनिवर्सिटी, इसको अम्ब्रेला पढ़ रहे अ से, क्यों ऐसा हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, इसलिए हम लोग इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें क्या बताएगा इंग्लिश में कि ए ई आई ओ यू, यही इंग्लिश वर्ड है। ए ई आई ओ यू से उच्चारण होने वाले जितने भी शब्द होंगे अगर इससे पहले एन का यूज करेंगे उच्चारण होने वाले, लेकिन यहाँ पे यू लिखा हुआ, अगर यू से स्टार्ट होने वाले सबसे पहले हम लोग एन का यूज कर देंगे यहाँ पे बिना देखे यूज कर देंगे इंग्लिश के अनुसार, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ये एक्चुअल में गलत है और ये सही है, लेकिन हम लोग यू का उच्चारण यहाँ पे देख रहे हैं ना, गलत हो गया ना, इसलिए हम लोग एक थोड़ा रिसर्च में किया हूँ, थोड़ी जानकारी इकट्ठा किया हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन हिंदी में देखिए कहीं का यू का जिक्र है क्या, कहीं यू का जिक्र नहीं है, तो ऐसे भी गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे हिंदी वाले वर्ड में हमेशा सही होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, आ, ई, उ, ए, ओ कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश में देखिए यू गलत हो जाएगा। अभी थोड़ा और एग्जांपल देते हैं, जैसे एग है, बहुत सारे वर्ड है ऐसे जो आपको हमेशा गलत हो जाएंगे। यूरोपियन, अब यहाँ पे देखिए ई से स्टार्ट है ना ये दोनों वर्ड, इंग्लिश में हमें हमेशा बताया जाता है इससे उच्चारण होने वाले सबसे पहले आप लगा दीजिए एन, लेकिन देखिए यू आया ना, लेकिन हम लोग एन का यूज किया तो एक गलत हो गया ना। अब एक और यू वाला स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ देखिए दोनों में एन लगा देते हैं, अभी भी गलत हो गया, अभी भी हमारा गलत हो गया इंग्लिश के अनुसार देखिए, लेकिन जब भी हम बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, यही कंफ्यूजन दूर करना था हमें। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हिंदी वाला पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको देखिए एक से उच्चारण हो रहा है ए से, और इसको क्या पढ़ते हैं यूरोपियन, ई इसमें साइलेंट होता है, यूरोपियन पढ़ते हैं, यूरोपियन, यू से स्टार्ट हो रहा है,
इस यू को पढ़ते हैं, ये साइलेंट होता है, तो जिसमें भी साइलेंट होता है उस लेटर को छोड़ के जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस लेटर को देखते हैं हम यूरोपियन। तो इससे पहले एम तो लग जाएगा ना, क्योंकि ए से स्टार्ट है, ए तो नजर आ गया, लेकिन यू तो कहीं नजर नहीं आ रहा, कहानी गलत हो जाएगा ना। तो इसका एक एग्जाम्पल में डिस्कस कर दिया कि इंग्लिश वाला बेटर नहीं है हिंदी से, हमेशा हिंदी बेटर होता है इंग्लिश से। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, मैं बार बार बोल रहा है वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, पूरा देखिए ताकि आपको कभी भी भविष्य में दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और गलती भी ना हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मान लीजिए एक का एग्जाम्पल दिए थे, एक क्या हो गया, एन एक लिख सकते हैं, एलिफेंट, एलिफेंट में भी क्या लिखते हैं, एन एलिफेंट लिख सकते हैं, एलिफेंट हम लोग बचपन से एलिफेंट और एक में लगाते आए हैं, एक का यू देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है ना, एलिफेंट एली ए से स्टार्ट हो रहा है, एक ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए एन लगाया। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जिससे पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। अगर आई यू ए ओ से ही उच्चारण है उससे शब्द स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड हैं एन का यूज कर देना, हिंदी वाला देखना, इंग्लिश में हमेशा गलत हो जाएगा। अब हम लोग ए का यूज के बारे में पढ़ते हैं, या फिर एन को मिटा के ए का यूज लिखते हैं। ए का यूज कब करेंगे, जब कोई वर्ड आई यू ओ से स्टार्ट ना होकर किसी और शब्द से स्टार्ट होगा। यहाँ पे लिखते हैं उसको बताते हैं कि वो शब्द क्या है, वो शब्द भी हिंदी में ही बताता हूँ, इंग्लिश में क्या होता है हम लोग कॉन्स्टोनेंट समझते हैं, कॉन्स्टोनेंट वर्ड यानी बी सी डी यानी जेड तक, ए आई ओ यू को छोड़कर जितने भी वर्ड है उससे, तो इसमें भी गलत हो जाता है बार बार। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का 12 कड़ी लेंगे, क कमी का से लेकर ग्या गमी गा तक से लेकर ज्ञा तक, पर जितने भी इस 12 खड़ी के वर्ड होंगे अगर उससे स्टार्ट हो रहा से उच्चारण होने वाले, से उच्चारण होने वाले यानी उससे प्रोनाउंसिएशन करने वाले वर्ड से पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। इसे आप कॉपी में लिख सकते हैं, हमारे साथ नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी या फिर साथ में सुनकर बाद में भी नोट कर सकते हैं वीडियो को रिप्ले करके। तो यहाँ पे देखिए का कमी का से लेकर ग्या गमी गा तक उच्चारण होने वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, जैसे बेग हो गया बेग, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हमारा कैट हो गया, तो इस ये हमारे क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, बेग बेग पढ़ रहे कि नहीं, इसमें ब तो नहीं पढ़ रहे, बेग पढ़ रहे, तो ये का कमी का होता है, तो इससे पहले ब से स्टार्ट है और इससे तो स्टार्ट नहीं है, देखिए आ E-U-A-O. इससे तो स्टार्ट नहीं है, तो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे कैट, इसको क्या पढ़ेंगे कैट, के से स्टार्ट है जाहिर से बात है ये लगाएंगे। तो जितने भी वर्ड है इसे उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे जो क से लेके ज्ञा तक स्टार्ट हो, और भवेल वाले इसको याद रखेंगे हम लोग आ ई ओ ए पांच चार पांच बार बोलेंगे तो दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन जब ये ए और एन का यूज करते हैं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमेशा क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, इतना बेसिक जानने के बाद भी गलत हो जाएगा, हमेशा गलत होगा, उसको भी जान लीजिए। यहाँ पे देखना है कैसे गलत होता है हमेशा, हमारा क्वेश्चन कैसे गलत हो जाता है, यहाँ पे देखते हैं ना कैसे गलत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इसे आप नोट कर सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं, पर जिसे नहीं आता है उसे आप बता सकते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं, फिर बॉक्स बना के आप नोट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कोई वर्ड आपको मिल जाए उसमें नोट में हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी वर्ड है अगर सिंगुलर पोर्टेबल नाउन है जो गिना जा सके, जो वर्ड सिंगुलर पॉइंटेबल नाउन, अच्छा से लिखते हैं इसको ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे, सिंगुलर पॉइंटेबल नाउन, इतना भी स्पीड नहीं लिखना है ताकि आपको समझ में आए, जो वर्ड सिंगुलर पॉइंटेबल वर्ड यानी
नॉन भी लिख सकते सिंगुलर पॉइंटेबल नाउन, क्योंकि नॉन इज द नेम ऑफ एनी थिंग, किसी भी नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो जो वर्ड सिंगुलर पॉइंटेबल वर्ड से स्टार्ट हो, वर्ड जो वर्ड सिंगुलर पॉइंटेबल वर्ड हो, जो वर्ड सिंगुलर पॉइंटेबल वर्ड हो, यानी अर्थात क्या बोल सकते हैं इसको, अर्थात यानी और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक वचन वाला, यानी गिना जा सके एक वचन वाला सिंगुलर मीन्स क्या होता है, एक वचन वाला, यानी सिंगल वर्ड, एक वचन वाला या गिना जा सके, गिना जा सके। जो वर्ड सिंगुलर पॉइंटेबल वर्ड हो, अर्थात एक वचन वाला या गिना जा सके, या फिर गिना जा सके, उससे पहले ही ए और एन का यूज करेंगे, उससे पहले ही ए और एन का यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। इसमें ए और एन दोनों का यूज के बारे में बता रहे हैं कि ए और एन का यूज कब करते हैं, यूज करेंगे, करेंगे लिखना अच्छा लगेगा यहाँ पे, करेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब क्या है, सिंगुलर वर्ड एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं, सिंगुलर वर्ड मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा ग्रेड सिंगुलर वर्ड उसे बोल सकते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ड है ना, ये पॉइंटेबल है, गिना जा सकता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए बेट, ये कैसे लगता है, तो हम बताएंगे आ ओ, ये किसके लिए था, एन के लिए, और ए के लिए क्या था, ए के लिए था कहाँ से, कभी कहाँ से लेके या था, ये था। तो यहाँ पे ए तो कैसे लगाए, यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है, अब ए कैट भी लिख सकते हैं, तो ये गिना जा सकता है ना, कैट, बेग, एलिफेंट, एलिफेंट का भी तो यूज किए थे, एलिफेंट से पहले क्या लगता है, ई से स्टार्ट है, ई से स्टार्ट है, वो हम नहीं देखते, हम लोग हिंदी वर्ड देखेंगे, सो क्या पढ़ते, एलिफेंट, उच्चारण देखेंगे, एलिफेंट, एलिफेंट जिसे है ना, एलिफेंट है, ए से पढ़ रहे हैं या ई से भी पढ़ सकते हैं, तो ए से पढ़ रहे हैं तो एन लगेगा, एक एक पढ़ रहे हैं, ए से पढ़ रहे हैं तो एन लगेगा। तो जो गिना जा सके, जो फॉर्म सिंगुलर है, उससे पहले ही हम लोग क्या लगाएंगे, ए और एन का यूज करेंगे, यूज करते हैं, लेकिन यहीं पर हमारा अनकाउंटेबल होता या प्लुरल होता तो हम लोग नहीं यूज करते ए और एन का यूज। अगर कभी पूछा जाए कि ए और एन का यूज कब नहीं करना, जब प्लुरल हो, यानी बहुत ज़्यादा हो, अनकाउंटेबल हो, जैसे यहाँ पे हम लोग यूज कर देंगे, ए का यूज होगा क्या, जब प्लुरल हो गया ना, बहुत ज़्यादा प्लुरल हो गया, बेग्स बहुत सारे बेग्स हो गए, तो ए और एन का यूज नहीं होगा ऐसे वर्ड में, ऐसे वर्ड में एलिफेंट्स हो गया, एग्स हो गया, तो ऐसे वर्ड में ए और एन का यूज नहीं होगा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल यानी यहाँ पे देख सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जो गिना जा नहीं सके, जो गिना ना जा सके, जैसे हमारा कोई राइस हो गया, राइस गिना जा सकता है क्या, नहीं, तो ए और एन का यूज होगा क्या ऐसे वर्ड में, नहीं, मिल्क हो गया, लिक्विड हो गया, ये गिना जा सकता है क्या, नहीं, तो इससे पहले ना ही ए का यूज होगा ना ही एन, तो वैसे कौन सा वर्ड है, प्लुरल अनकाउंटेबल, यहाँ पे नोट का सेकंड लिख सकते हैं, इसको वन कर सकते हैं, इसको सेकंड, नोट का पहली बात ये याद रखना, दूसरी बात कि प्लुरल, प्लुरल यानी बहुवचन, और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल वर्ड से पहले ए और एन का यूज कभी नहीं किया जाता है, और यूज नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पहले बताया, जैसे राइस हो गया, ये गिना जा सकता नहीं है, जैसे बेस हो गया, ये प्लुरल के लिए हो गया, ये प्लुरल के लिए क्या हो गया, बेस हो गया,
और ये डैश हो गया अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल का इसलिए मैं पहले लिख दिया हूँ, ये डैश हो गया अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल पे। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जिसमें ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता, जो अनकाउंटेबल और प्लूरल हो, लेकिन सिमिलर वर्ड और काउंटेबल मिल जाए तो उससे पहले ए और एन का यूज करेंगे। लेकिन ए और एन का यूज कैसे करेंगे वो यहाँ से हम लोग देखेंगे। एन का यूज आई यू ए ओ से स्टार्ट हो, जैसे ऑल, एक ऑल होता है ऑल, ऑल पढ़ते हैं तो एन ऑल लिख सकते हैं ना, ओ से ऑल पढ़ रहे हैं ऑल, ओ आर आई। इसे बहुत सारे वर्ड है जैसे ऑनियन, ओ से स्टार्ट हो रहा है ना ऑनियन, इससे पहले हम लोग क्या एन लगाएंगे। लेकिन अदर वर्ड है जैसे मान लीजिए कुछ भी वर्ड है, बी सी बी से कुछ भी वर्ड ले लीजिए, फिर सी से अगर कुछ भी वर्ड ले लीजिए जैसे कोट ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं तो उसे पहले ए का यूज होगा। बी से डी से डॉग भी ले सकते हैं, जैसे डी और जी डॉग, डॉग से पहले क्या लगेगा ए लगेगा, इस तरह। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऐसे कितने वर्ड हैं, कैसे कैसे वर्ड हैं, कि एग्जाम्पल बनाना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बेसिक जानने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सारा कुछ बेकार हो जाता है। तो अगर मैं प्रैक्टिस करने से पहले मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि ए और एन का यूज अभी भी सीमित नहीं है, और ज़्यादा यूज हो। मैं तो मुद्दा है कि सेंटेंस में कैसे यूज होता है, कैसे गलत हो जाता है सेंटेंस में, उसको मैं पार्ट टू में बनाऊंगा कि सेंटेंस में कैसे यूज होता है। अगर नॉन एडजेक्टिव एडवर्ब सारा एक ही सेंटेंस में दिया हो तो किससे पहले हम लोग ए का यूज करेंगे, नॉन या एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले, तो उसमें क्लियर कर देंगे सारे डॉट्स को। तो वीडियो को देख सकते हैं, हमारे से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, इससे आपको समय पर मैसेज मिल जाएगा। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल ये 13 एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहाँ पे ए और एन का यूज कैसे करेंगे। अभी मैं बताया था जस्ट ए और एन का यूज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल है एच डी ओ, इसको प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या होगा, एस से स्टार्ट हो रहा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एस ए से है ना, तो एक इसमें आ रहा है, ऊपर वाले में आ रहा है, तो इससे पहले क्या करेंगे एन का यूज करेंगे। इस तरह से हमेशा सही होगा, लेकिन इंग्लिश वाला लेंगे तो गलत हो जाएगा। इंग्लिश वाला से देखते हैं हम लोग, ए ई आई ओ यू, इससे स्टार्ट होने वाले, और बाकी कॉन्सोनेंट वाला बी सी डी यानी वोवेल को छोड़ के जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट में आता है, तो इंग्लिश में कैसे गलत होता है, हिंदी में कैसे सही, वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एस से स्टार्ट है, तो देखिए एस तो इसमें नहीं ना है, एस तो इसमें आएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा कि ए का यूज करते हैं इंग्लिश के अनुसार, लेकिन यहाँ पे एन का यूज होगा, एन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एस ए आ रहा है ना, ए पहले में आ रहा है, उसके बाद एम एन ए, एम कैसे लिखते हैं हिंदी में, ए लिखते हैं एम, तो ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको पहले भी एन लगाएंगे हम, ऑनेस्ट इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट ऑनेस्ट ऐसे ओ से पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो ओ आ रहा है ना, ओ आ रहा है, जैसे पहले एन लगाएंगे, थर्ड नंबर है एन लगाएंगे, ऐसे वर्ड देखते हैं। अभी हमेशा गलती करते हैं इंग्लिश में, देखिए एस तो नहीं है इसमें, ऐसे उच्चारण भी नहीं हो रहा है, इसको क्या करेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें ए लगा देंगे जल्दबाजी में, गलत हो जाएगा। यूजफुल, इसको क्या बोलते हैं, यूजफुल, तो यूजफुल में हम लोग क्या देखते हैं, तो यूजफुल यू से स्टार्ट होगा, तो यू तो कहीं है नहीं, ए में होगा, का कमी का से लेकर बार खड़े में, तो ए यूज होगा। ऑरेंज, ऑरेंज में देखिए ओ से स्टार्ट है ना, इससे पहले हमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब बॉय, बॉय मतलब ओ से स्टार्ट है बॉय, तो बस स्टार्ट है ना, तो इससे पहले हम लोग ए लगाएंगे, तो ये बॉय का हो गया, ये ऑरेंज वाला का हो गया, एन ऑरेंज, ए यूजफुल, एन ऑनेस्ट, एन एम एल ए, एन एन टी ओ। अब जू का, तो जू से स्टार्ट हो रहा है ना, जू तो है नहीं, जू तो है नहीं एन में, तो ए लग जाएगा इसमें। राइस का, जब भी हम बताएंगे इससे पहले कि जो अनकाउंटेबल और गिना ना जा सके राइस, इससे पहले ना ही ए का यूज होगा ना ही एन का यूज होगा, तो ये हमेशा गलत हो जाएगा। चेयर्स, ध्यान देना है चेयर्स है, टूटल है ना, टूटल से पहले भी नहीं लगा, ये भी गलत हो जाएगा। पेंस, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे यूरोपियन है, यूनिवर्सिटी है, अम्ब्रेला है, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ई से स्टार्ट है, और बहुत लोग इसे यूरोपियन पढ़ते हैं ई से,
से देखे ये तो है ना एल में, लेकिन यहाँ पे हम लोग जल्दबाजी में एल लगा देंगे जो हमारा गलती हो जाएगा। कैसे गलती हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन ई साइलेंट होता है हमेशा, इसको यू से प्रोनाउंसिएशन करते हैं यूरोपियन, यू से तो यू तो है नहीं, इससे पहले क्या लगेगा ए लग जाएगा। अगर यहीं पर हमारा एक का बात होता ई से एक, तो हम लोग क्या करते एक ए से आ रहा है ना, जैसे पहले एन लगाएंगे, ये अंतर है दोनों तो इसी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में तो गलत हो जाएगा, हिंदी में से गलत। यूनिवर्सिटी अम्ब्रेला, इसमें डिफरेंस देखिए, इसको यूनिवर्सिटी यू से पढ़ते हैं, इसको अम्ब्रेला पढ़ते हैं, आ से आम आ से पढ़ते हैं ना, इसको आ से दोनों का मतलब देखिए, इसको यूम्ब्रेला पढ़ना चाहिए था लेकिन अम्ब्रेला पढ़ते हैं, अम्ब्रेला तो आ आया ना, आ आया तो हम क्या लगाएंगे एल अम्ब्रेला लगाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी यू आया तो ए लगाएंगे। तो ये एग्जाम्पल्स में ए और एन का यूज कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, अगले वीडियो में सेंटेंस में ए और एन का यूज करके बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।